क्यूरीज, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग. दिस इज़ मे कृति एंड दिस इज़ माई अनदर व्लॉग. सो आज था संडे, जन्माष्टमी के पहले का एक दिन. एंड आज प्यारा प्यारा सनराइज़ आप लोग भी देखो, बिकॉज आज मैं उठी थी थोड़ा सा लेट एंड आज मेरी क्लासेस नहीं थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी सनराइज़ दिखा देती हूँ यार. एंड देन मेरा टेबल हो रहा था बहुत ज़्यादा गंदा, बिकॉज मैंने रात में थोड़ी बहुत पढ़ाई करी थी एंड तो मेरा टेबल गंदा हो रहा था. एंड वैसे भी मैं संडे को हर बार ही अपने रूम की थोड़ा सा डीप क्लीनिंग करती हूँ संडे को, बिकॉज मेरा पूरा वीक, आई नो मेरा क्लासेस होती है बस 2-3 घंटे की, पर फिर भी मेरे पूरा वीक हैक्टिक चला जाता है. मैं दिन में पढ़ाई नहीं करती हूँ, पर फिर भी पता नहीं मेरा दिन का टाइम कहाँ ही चला जाता है. मैं क्लीनिंग नहीं कर पाती हूँ एक भी दिन. एंड संडे को भी मेरे को क्लीनिंग वाइब्स आती हैं, तो मैं क्लीनिंग करती हूँ सिर्फ संडे को. तो मैं अपने रूम में ना टेबल पे सबसे ज़्यादा जो स्प्रेडी चीज़ें वो होता है पेन. हमेशा मेरे टेबल पे ये पेन एंड बुक्स और कॉम्ब, ये तीनों हमेशा फैली हुई रहती है मेरे टेबल पे. कितना भी क्लीन कर लो ये क्लीन रहती ही नहीं है. तो फिर मैंने अपना पहले तो नोटबुक सबको स्पेस पे रखा अपने अपने जगह पे एंड टेबल को क्लीन करा, जिसमें मेरा लगभग 10 से 20 मिनट्स गए होंगे, उससे ज़्यादा नहीं. एंड फिर थोड़ा बहुत रूम को मैंने क्लीनिंग करी अच्छे से. अब देखो मैंने बहुत मेहनत करा है क्लीनिंग करने में आज. एंड देन आफ्टर क्लीनिंग माई टेबल, मेरा टेबल कुछ ऐसा दिख रहा था. एंड देन मैं फ्लावर प्लग करके लाई, बिकॉज मैं डेली पूजा करती हूँ जहाँ तक मैं ट्राई कर सकती हूँ. एंड फिर मैं मम्मा के साथ अनुपमा देखी थी. एंड फिर शाम, आई मीन मैं उसके बाद बिस्किट्स खाई थी. एंड गाइस मैं 3 घंटे के लिए कब खाना खाया ना मुझे खुद पता नहीं चला. फिर मैं पिज़्ज़ा खाया एंड पढ़ाई कराया. मेरे 4-4 घंटे मेरे को हेडेक रहा था सुबह में, इसलिए मैं आज पढ़ नहीं पाई थी. एंड फिर हेडेक ठीक हुआ तो मम्मा ने मुझे ट्रीट में दिया था ये पिज़्ज़ा, बहुत मज़े करे. एंड डिनर करके फिर मैं सो गई थी. फिर ये है जन्माष्टमी के अगला दिन, मैंने जन्माष्टमी भी करी थी गाइस. एंड उस दिन पूरा मैं सो रही थी, बिकॉज जन्माष्टमी के दिन मैंने फास्ट करा था, तो मेरे से कुछ हो नहीं रहा था. बस मैं क्लासेस गई थी, पर मैं गई दोनों ही क्लासेस गई थी. एंड फिर नेक्स्ट डे हमारा प्यारा प्यारा मॉर्निंग देखो, बारिश हो रही थी यहाँ पे, ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी, बट हाँ रात में जन्माष्टमी के रात में तो वैसे भी बारिश होती है, तो वही बारिश हुई थी. एंड मम्मा आज बना रही थी कुछ, उसके लिए इन पत्तों की ज़रूरत थी, शायद ये खाने वाले पत्ते हैं. हाँ शायद क्या, हाँ यार ऑफकोर्स मम्मा ने मंगाया तो खाने वाले पत्ते ही होंगे. तो मैंने प्लग करके मम्मा के ले जा रही थी. एंड ये ऑलरेडी क्लीन थी बिकॉज़ बारिश हुई थी ना अभी, बट फिर भी खाने की चीज़ों को मैं धोकर यूज़ करना चाहिए. एंड आज मेरी क्लासेस भी थी, तो मैंने खाना खाने के बाद फिर मैं क्लासेस के लिए चली गई थी गाइस. एंड आफ्टर कमिंग मैंने ये स्नैक्स खाए, बिकॉज मैं कल कुछ भी नहीं खाई थी, तो आज मुझे बहुत चुलमच रही थी खाने की, ग्रेविंग्स हो रही थी गाइस, आई मीन क्रेविंग्स. तो फिर मैं छत पे गई थी कुछ कपड़े डालने. एंड ये प्यारा सा व्यू देखो गाइस, आज बहुत ही क्लाउडी हो रहा था. फिर आज मैंने पूरा दिन फन करा, बिकॉज कल से मेरा चैलेंज स्टार्ट हो रहा था. तो आज मैं टीवी देख रही थी पूरा एंड स्नैक्स खा रही थी आलतू फालतू, जो भी मैं कर सकती हूँ आज बोरियत वाला काम. एंड यार आप लोगों में से कौन कौन टीवी देखता है मुझे बताना, मैं तो टीवी की एडिक्टेड हूँ यार, जो भी चल जाए टीवी पे मैं वो देख लेती हूँ. पर मैं ट्राई करती हूँ कि मैं टीवी ओपन ही नहीं करूँ ज़्यादा, क्योंकि अगर मैं टीवी देखने लग जाती हूँ ना एक बार, तो मेरे को 2-3 घंटे तक कोई नहीं डाल सकता टीवी के पास से. उसके बाद फिर मैंने रात में थोड़ी बहुत पढ़ाई करी थी, हाँ क्योंकि आज मेरे को पढ़ने का मूड नहीं था, बिकॉज मैं कल से चैलेंज स्टार्ट करने वाली थी जन्माष्टमी के डे के आफ्टर के उसके एक दिन बाद. फिर मैं रात को डिनर करके सो गई थी. सी यू सून, बाय बाय.